अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आजकल 23 सितंबर 2017 के बारे में सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब मफरूज़े कायम किए जा रहे हैं। मसलन 23 सितंबर 2017 को हमारी ज़मीन पर एलियन का हमला होगा। इसी तरह एक मफरूज़ा ये भी है कि 23 सितंबर को समंदर में खौफनाक भूचाल आएगा, और कुछ का कहना है कि आसमान पर कुछ अजीबोगरीब मंजर रूनुमा होंगे। नाज़रीन, हमने इन मफरूजात पर मबनी एक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है, तो नाज़रीन मुलाहजा करें ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में, खास तौर पर यूरोप में 23 सितंबर को एलियन के एक बड़े हमले की पेशगोइयां की जा रही हैं। इसी तरह कयास आरायां की जा रही हैं कि आसमान पर कुछ अजीबोगरीब मंजर दिखाई देंगे और समंदर में खौफनाक भूचाल आएगा। इन तमाम बातों के पीछे हकीकत क्या है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, अगर हम पूरी तारीख के माहो साल का जायजा लें तो इसमें माह सितंबर दिलचस्प नजर आएगा। मुसलमान जब इल्म व हिकमत की बुलंदियों पर थे, तब यूरोप गंदगी से भरा हुआ था। जाहिरी गंदगी के अलावा इनके जहनों में तोहमात की भरमार थी। आज का यूरोप जानवरों से बहुत प्यार करता नजर आता है, जबकि 16वीं सदी में यही कौम यूरोप की गलियों बाजारों से काली बिल्लियां इकट्ठी करती नजर आती थी। इन बिल्लियों को साल के एक मुकर्रर दिन रात के आखिरी पहर आग के एक बड़े अलाव में डालकर जिंदा जला दिया जाता था। नाजरीन, इसकी वजह बड़ी दिलचस्प थी। ये लोग समझते थे कि बिल्ली शैतान की जासूस है, लिहाजा शैतान से छुटकारा पाने के लिए ये लोग हर साल बड़ी तादाद में बिल्लियां जला दिया करते थे। अगरचा आज का यूरोप कल से बहुत मुख्तलिफ है, इन लोगों ने वक्त के साथ साथ ऐसी फरसूदा तोहमात से छुटकारा तो हासिल कर लिया है, लेकिन नाजरीन कुछ खौफ ऐसे होते हैं जिनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। खवातीनो हजरात, 23 सितंबर 2017 के हवाले से नासा गुज़श्ता चंद सालों से अजीबोगरीब खबरें फैला रहा है। मसलन, कभी कहते हैं कि हमें खला से पुरअसरार सिग्नल मौसूल हुए हैं जो कि किसी दूसरे सियारे से आए होंगे। कभी इनको लगता है कि एलियन हमारी जमीन पर हमला करने वाले हैं। इसी तरह नाज़रीन, कभी ये खबर आती है कि खला में मौजूद सियारे अपने मदार बदल रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे का पेश खैमा है। मजीद ये कि हमारी जमीन की तरफ एक खौफनाक बादल बढ़ रहा है जो नाइट्रोजनी गैस का मजमुआ है, और जब ये बादल हमारी जमीन से टकराएगा तो एक खौफनाक धमाका होगा जिससे बड़ी तबाही होगी, वगैरह वगैरह। नाजरीन, हालिया दिनों में माहरीन फलकियात ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि 23 सितंबर 2017 को आसमान पर मौजूद सितारों का एक जुर्मट जिसका नाम विर्गो है, इसमें कुछ अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी, जो कि हकीकत में यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यूरोपी पादरियों ने इस आम सी खबर को इस कदर अहम बना दिया है कि कदीम यूरोपी तोहमात का खौफ एक बार फिर सर चढ़कर बोलने लगा है। ईसाइयों के नजदीक सितारों का यह जुर्मट हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का अधूरा मुजस्मा है। इनका यह भी ख्याल है कि 23 सितंबर 2017 को यीशु मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा। वो बिलफर्ज अगर ऐसा ना भी हुआ तो जमीन पर एक बड़ी तबाही जरूर आएगी। नाजरीन, याद रहे कि सितंबर और दिसंबर का महीना अहलियाने यूरोप के लिए नफसियाती दबाव का महीना होता है। इसके पीछे दो अहम वजूहात हैं, नंबर एक कदीम यूरोपी तोहमात, और नंबर दो लाखों की तादाद में बनने वाली हॉलीवुड मूवीज और नॉवेल्स जिसमें यूरोप को सितंबर और दिसंबर में तबाह होते हुए दिखाया गया है। यही वजह है सितंबर और दिसंबर में अर्जियाती और फलकियाती तब्दीली से मुतालिक पब्लिश होने वाली एक आम सी खबर भी बहुत ज्यादा मकबूल हो जाती है। नाजरीन, यूरोप कितना जदीद और तरक्की याफ्ता हो चुका है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बदकिस्मती से कदीम तोहमात इनका पीछा अब भी नहीं छोड़ रही। 2007, 2008, 2010, 2015 और आज 2017 को एक ही खौफ का सामना है, और इस खौफ में इजाफे के लिए फिल्म साजी की जा रही है, किताबें लिखी जा रही हैं,
आखिर ये खौफ पैदा करने का मकसद क्या है? नाजरीन, तमाम शैतानी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक हो चुकी हैं और इन ताकतों के खिलाफ यूरोप में कई तहरीकें भी उठ खड़ी हुई हैं जिनका वजूद रोज बरोज बढ़ रहा है। इन तहरीकों पर नफ्सियाती प्रेशर कायम करने के लिए और पूरी दुनिया को जहनी तौर पर आलमी तखरीबकारी का शिकार होने के लिए जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आलमी ताकतें नासा और मीडिया को इस्तेमाल कर रही हैं ताकि होलोग्राम कार्रवाई या एलियन वार से पहले और दीगर एजेंडों के इस्तेमाल से पहले लोग इस कदर हरासा हो जाएं कि मुजाहमत न कर सकें। नाजरीन, यहाँ पर एक बात काबले जिक्र है कि हम एशियन भी कम नहीं। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हम यूरोप का बाजू थाम कर इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यही वजह है कि हमने अपने दीन, ईमान और सकाफत को पसे पुश्त डाल दिया है और जो हमें यूरोप अता करे हम इसकी पैरवी करते हैं। इनके त्यौहार, इनकी तहजीब हमारी हो चुकी है, हम इनका अंदाज कॉपी करते हैं। लेकिन नाजरीन, याद रखें, शैतानी ताकतों के लिए कोई मजहब मजहब नहीं। इनका अपना कदीम तोहमात से भरपूर एक मजहब है। सितंबर और दिसंबर के वो दिन जब यूरोप में पुरअसरारियत अपने उरूज पर पहुंच जाती है, इन्हें यकीन होता है कि बहुत जल्द आसमान से कोई आफत नाजल होने वाली है। ऐसे लम्हों में शैतानी ताकतें किसी दूसरी दुनिया की मखलूक बनकर हमला आवर होंगी जिससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा, जिसे आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अगर आलमी ताकतों या शैतानी कुवतों को यूरोप में कोई बड़ी तखरीबकारी करनी है तो ये दो माह इनको बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। नाजरीन, अगर हमने अपनी सोच न बदली, अपने मजहब और सकाफत की तरफ तवज्जो न दी तो आयन मुमकिन है कि अहले यूरोप की तरह हम भी जलील हो जाएं। तो नाजरीन, जहन में रखिए 23 सितंबर 2017 को कुछ नहीं होने वाला। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों के जहनों को किसी आलमी तखरीबकारी के लिए तैयार किया जा रहा है और हर साल अहले यूरोप ये दो महीने बहुत खौफ के आलम में गुजारते हैं। नाजरीन, बहसियत मुसलमान हमें इन पादरियों के मफरूजात पर बिल्कुल गौर नहीं करना चाहिए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।